चैनल इजी नीटिंग क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक ठाकुर जी की कैप, 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कैप लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था शायद ठाकुर जी की फुल ड्रेस बनाना, उससे पहले वाले वीडियो में मैंने इनकी 0 नंबर की चोली बनाना शेयर की थी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, एक सीरीज स्टार्ट की है मैंने। अभी जैसे मैंने आपको 0 नंबर की चोली शेयर की, फिर मैंने ड्रेस शेयर की, फिर मैंने कैप शेयर की, अब मैं नेक्स्ट जो है बूटी शेयर करूँगी आपके साथ, और या फिर अगर बूटी पहले शेयर करूँगी तो फिर मैं कैप भी शेयर करूँगी, इसके बाद फिर मैं 1 नंबर का सारा ड्रेस शेयर करूँगी, फिर 2 नंबर का। तो इसी तरह से मैं एक एक करके वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी के साथ, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों की भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल पर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के और भी वीडियोस पड़े हुए हैं कान्हा जी के, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं। तो लिंक जो है मैं अपनी प्लेलिस्ट की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए कैप बनाई है मैंने, बहुत ही खूबसूरत सी हैट है, बहुत प्यारी सी, ये देखिए। तो गाइज, चैनल में जाने से पहले और वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और हाँ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल बटन को ग्रे कर दें। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाना है। और हाँ गाइज, दूसरी चीज़ एक, अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी। और एक चैनल और है मेरा जहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी के ड्रेसेस वगैरह क्रोचेट से शेयर करती हूँ, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं की कैप को बनाने के लिए। यहाँ पे मैं 2 कलर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ अपने ये जो कान्हा जी की ड्रेस का वीडियो शेयर किया था, तो सेम मैचिंग में हम कैप बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में सेम मैचिंग में हम इसकी 0 नंबर की बूटी भी बनाएंगे, यानी कि पूरा सेट बनाएंगे हम इसका। तो डबल कलर का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगी। देखिए हमें करना क्या है, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमें एक नॉट लगा लेनी है, उसके बाद 4 चेन्स लेनी है, 1, 2, 3, 4। अब इसको फर्स्ट वाली यानी कि लास्ट वाली चेन के साथ जॉइंट कर देना है स्लिप स्टिच से। इसके बाद 3 चेन्स लेंगे, 1, 2, 3। इन तीन चेन्स को हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब ये जो हमारे पास लूप बन गया है, इसमें से हम 10 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे, 1, 2, 3। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमने जो 3 चेन्स लिए थे, यहाँ पे थर्ड वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, और जितने भी हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं उतने ही हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे, ठीक है। हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से लेंगे, और ये देखिए इसमें से लेंगे और इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे, देखिए। फिर नेक्स्ट में सेम हाफ डबल क्रोशिया, सेम हाफ डबल क्रोशिया, सेम हाफ डबल क्रोशिया, इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ जो 2 चेन्स लिए थे उसमें से हम जो लास्ट में सेकंड वाली जो चेन थी यहाँ पे, इसे हम जॉइंट कर देंगे, देखिए। स्लिप स्टिच से, ठीक है। अब सेम राउंड जो हमने सेकंड राउंड निकाला है, ये वाला सेम राउंड हम 2 चेन्स ले लेंगे और फिर से बनाएंगे, यानी कि हर एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। सेम राउंड हम फिर से बना के तैयार कर लेंगे, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए, थर्ड राउंड के लास्ट में आ गए। अब हम इसे बंद कर देंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच से, जहाँ पे हमने 2 चेन्स लिए थे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे 3 राउंड बन गए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें वाइट कलर की वूल ऐड करेंगे और इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये राउंड बन के आ गया है। अब आप चाहें तो ये 4 राउंड भी बना सकते हैं, ठीक है। पहला राउंड हमने डबल क्रोशिया का लिया, सेकंड राउंड हाफ डबल क्रोशिया का, और थर्ड राउंड हाफ डबल क्रोशिया का।
आप चाहें तो अपने ठाकुर जी के हाइट के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपके ठाकुर जी एक नंबर के हैं तो आप एक और राउंड बना सकते हैं और एक चेन और ज़्यादा स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं एक नंबर के कान्हा जी की भी अलग से बताऊंगी आपको, तो आप इस तरह से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें वाइट कलर ऐड कर लेंगे, तैयार हो गई है। बस अब इसको थोड़ा सा हमें हैट वाला लुक देना है। तो अब हम अपना सेकेंड राउंड जो है, अब हम ना जो फोर्थ राउंड है, ये तीन राउंड हम बना चुके हैं, चौथा राउंड अब हमें वाइट कलर की वूल से बनाना है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले फिंगर में धागा लपेटूंगी और यहाँ से कहीं से भी आप इसको इस तरह से एक चेन बना लेंगे। उसके बाद थ्री चेन्स लेंगे, 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसको हम डबल क्रोशिया की हाइट की चेन लेंगे, ये एक्स्ट्रा धागा जो है उसे हम कट कर देंगे सबसे पहले। अब देखिए, अब सेम स्पेस में से, अब इसके नेक्स्ट वाले, सॉरी, सेम स्पेस में से हम दो बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक और ये देखिए दो, ठीक है। तो इसमें से हमने ये तीन बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट स्पेस में, नेक्स्ट जो चेन है इसमें से हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए 1, 2, 3। अब नेक्स्ट में तीन बार बनाएंगे, 1 सेम चेन में से एक बार और, 2 सेम चेन में से एक बार और, 3, ठीक है। देखिए इस तरह से, अब देखिए नेक्स्ट चेन में से तीन बार, यानी कि हर एक चेन में से हम तीन तीन बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से, अब हम अपने लास्ट में आ गए वर्क के। देखिए यहाँ पे ये यह हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमने तीन चेन बनाई थी उसकी थर्ड वाली चेन में हम इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से और उनको कट कर देंगे और एक चेन लेके धागे को निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारी सी हैट बनकर तैयार हो गई हमारे पास कान्हा जी की। और देखिए इसको मैं यहाँ पे पीछे हाइड कर दूँगी। धागे को हम पीछे ले जाके हाइड कर देंगे। देखिए बस, और धागे को हम कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी की 0 नंबर की हैट और कैप बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रही है ये। ये देखिए, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी हुई है ये देखिए। तो गाइज़ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।